अस्सलाम वालेकुम फतेह खान साहब। मैं शेर खान का भाई जुबेर खान हूं। सुना है तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत है साईं। मैं उस हादसे पर अफसोस करने आया हूं फतेह खान साहब। ना साईं ना, तुम अफसोस करने नहीं आए हो, तुम तो ये बताने आए हो कि हमारे खानदान में गर्दनें जरा कच्ची हैं। आप चाहें तो अपने बेटे शौकत की गर्दन के बदले मेरा सर कलम कर लीजिए। गर्दन ना झुकाओ साईं, गर्दन ना झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। हमारे बेटे की टूटी हुई गर्दन हमारे सर कर्ज है, और इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। फतेह खान साहब, मैं हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। कोई ऐसी चीज ना मांगना साईं कि फिर माफी मांगने के लिए हाथ ही ना रहे। मैं अपने भतीजे सलमान के लिए आपकी बेटी रुखसार का हाथ मांगने आया हूं। खामोश दुश्मन साईं, खामोश, चले जाओ, गवाह हो जाओ यहां से। मैंने आपको गाली तो नहीं दी फतेह खान साहब? आप एक जवान बेटी के बाप हैं, और ये रिश्ता मांगने का हक किसी को हो या ना हो, फिर भी शेर खान के घर से आए हुए पैगाम पर आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। सोचूंगा, खूब दिमाग लगाकर सोचूंगा। गुलाम खान, हमारी सात पुश्तों में घर आए मेहमान की लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल होती तो तेरी ये गुस्ताख जबान काट कर हम शेर खां के घर पहुंचा देते। बाकी रहा तेरा ये जिस्म, इसे अफजल का कुत्ता खा जाता। गुलाम खान, इन्हें इज्जत के साथ ले जाओ और अपने इलाके से बाहर निकाल दो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि देख सके हमारे नए नए वीडियोज को।